सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वह उतना ही आपको आपकी उम्मीद से अधिक देगा। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जियो। आज का पंचांग 1 फरवरी 2020 दिन शनिवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम 6:10 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 8:55 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय 9:54 से 11:15 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय 12:13 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 1 फरवरी 2020 दिन शनिवार, आज आप अपनों को अपने प्रति बड़ा मददगार पाएंगे और उनके छोटे छोटे प्रयास भी आपके दिल को छू लेंगे। उनकी मदद और प्यार के कारण आप उनके प्रति आभारी होंगी। ध्यान रहेगी आप अपनों को उनके प्यार और मदद के लिए धन्यवाद देना ना भूलें, चाहे वो मदद छोटी हो या बड़ी। आज आपके हर एक काम में आत्मविश्वास की झलक दिखेगी। कुछ समय पहले तक बहुत मुश्किल दिखने वाली बाधाएं आज आसानी से पार हो जाएगी। आपकी संवाद कुशलता अब पहले से बेहतर है और आप लोगों को इसके चलते विश्वास में लेकर अपनी बात समझा पाएंगी। दिन किसी मुश्किल परियोजना पर काम करने के लिए भी उपयुक्त है। विदेश में शिक्षा प्राप्त हेतु प्रयास कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। कुछ लोगों का मन वांछित स्थान पर स्थानांतरण पर भी हो सकता है। आपको अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों से मिलने का मौका भी मिल सकता है। आज का दिन बेहद अनमोल है और आप सकारात्मक महसूस करेंगी। आज आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं। कुछ मामलों में आप सबसे हटकर काम करना पसंद करेंगी। ये बदलाव आपके लिए काफी सकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। सावधानियां, आर्थिक लेन देन या अचल संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। अनावश्यक कार्यों को लेकर भागदौड़ तथा तनावपूर्ण स्थितियां हो सकती है, जिसके कारण घर गृहस्थी में तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपसी विचारधारा एक दूसरे के प्रति अच्छी होनी चाहिए। लव लाइफ की बात करें तो आप अपनी सारी समस्याएं खुद ही सुलझा लेते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि अगर आप अपने पार्टनर की मदद लेंगे तो चीजें काफी आसान हो जाएगी। आपका पार्टनर आपकी व्यवहारिक मदद के लिए भी तैयार है। अगर इस समस्या से आपने निजी रिश्ते पर भी कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है तो बेहतर होगा कि आप इस बार अपने पार्टनर से चर्चा किसी सार्वजनिक स्थान पर करें, जहाँ उनके भावनात्मक रूप से नियंत्रण होने की संभावना काफी कम हो। करियर की बात करिए तो अनुशासन और कड़ी मेहनत आपके विशिष्ट गुण हैं। आज अपने कार्य क्षेत्र से आपका मोह भंग हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका करियर रुक सा गया है। हालांकि कड़ी मेहनत हमेशा साथ देती है, आप सही रास्ते पर हैं। अब महत्वपूर्ण है कि इस पद के साथ आप रहें। चमकती हुई परियोजनाओं में निवेश न करें या ज्यादा उत्साह में न आए, क्योंकि आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है। सेहत की बात करें तो पिछले लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आज उभर सकती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत है, वे अपने खाने को लेकर विशेष सावधान रहें, क्योंकि वे अक्सर लापरवाही करते रहते हैं। आज आपको माइग्रेन, तनाव, सिर दर्द और
उच्च रक्तचाप का भी सामना करना पड़ सकता है। जो दवाइयां आप सामान्यतः लेते हैं उनके बारे में आज डॉक्टर से दोबारा पूछ ले, क्योंकि हो सकता है कि उनकी डोज में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने हों। आज का टिप्स, आज आप गरीबों को तिल का दान करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।